हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विद्या राठौर और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट स्पेशल निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स के बारे में है। निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स क्या होते हैं और इन्हें किस तरह से निकाला जा सकता है और इससे आपके एग्ज़ाम में किस तरह से हेल्प हो सकती है, मैं उसके बारे में बताऊँगी। तो ये जो निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, इन्हें देखते ही हम पता कर सकते हैं कि हमारा आंसर ये होगा या फिर नहीं होगा। अगर आप लोगों को सीटेट का सी भी नहीं आता है, फिर भी आप 90 एबव स्कोर कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स निकाले हैं। निगेटिव वर्ड्स को देखकर ही आप पता कर पाएंगे कि ये आंसर है या नहीं, और पॉजिटिव वर्ड्स को देखकर आप पता कर पाएंगे ये आंसर है या नहीं। तो चलिए मूव करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर आप नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आप लोगों को जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में अपनी पूरी बहुत ज़्यादा मेहनत की है यहाँ से निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को निकालने में, क्यों, जिससे कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निगेटिव वर्ड्स के बारे में। जैसे मान लीजिए, अगर किसी भी आंसर में पक्षपात, किसी भी ऑप्शन में पक्षपात दिया है, लड़का या लड़की के बारे में पक्षपात की बात हुई है, तो वहाँ आपका आंसर नहीं होगा। सेकंड है आपका लैंगिक रूढ़िवादिता, मतलब जहाँ जेंडर बायस के बारे में बात की गई है कि लड़के को ये काम करने हैं, लड़की को ये काम करने हैं, तो वो कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। छात्र को अनदेखा करना, अगर हम किसी भी छात्र को अनदेखा कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट को हियरिंग प्रॉब्लम है, वो सुन नहीं सकता, और वहाँ कहा गया है कि उसे इग्नोर कर दीजिए और आप उन बच्चों पर ध्यान दीजिए जो ये काम कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर कभी नहीं होगा। फोर है अंक, जहाँ कहीं भी मार्क्स के बारे में बात कर दी जाए तो फिर वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करते हैं, ना कि उसके अंकों के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ है मानक, बच्चे के लिए मानक डिसाइड कर देना कि तुम्हें इतने इतने मार्क्स लाने हैं या फिर इतना करना है, तो वो चीज़ भी आपका आंसर नहीं होगा। और परीक्षा, बच्चे को लिए परीक्षा, बच्चे को परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है, तो फिर परीक्षा अगर जिस किसी में भी आंसर आ जाएगा, वो आपका आंसर नहीं होगा। कठोर अनुशासन, जहाँ अनुशासन के बारे में बात कर दी जाएगी कि बच्चे को एकदम कठोर अनुशासन में रखना है और उसे कुछ भी नहीं करने देना है, अपने अकॉर्डिंग चलाना है, तो वो आपका आंसर नहीं होगा। बच्चे को जहाँ नियंत्रण, कंट्रोल में रखना हो, अपने हाथ में रखना हो कि तुम यही काम करोगे, ये नहीं करोगे, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। किसी भी बच्चे की उपेक्षा करना, ये कहना कि तुम इससे गंदे हो या तुम इससे अच्छे हो, तुम ये करो जैसा ये कर रहा है, मतलब एक दूसरे की तुलना करना, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। बच्चे को लालच देना, आप बच्चे को समझाएंगे और आगे, मतलब उसे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन बच्चों को लालच नहीं देंगे। जहाँ कहीं भी लालच आ जाए, वहाँ आपका आंसर नहीं होगा। ज्योतिष के बारे में बात कर देना, बच्चों से कह देना कोई बात नहीं, तुम पढ़ो मत, तुम ऐसे ही पास हो जाओगे, ये भी चीज़ें क्या हैं, गलत हैं। आध्यात्म और दर्शन के बारे में बात करना, मतलब पूजा पाठ के बारे में बात करना, जहाँ कहीं भी आ जाए, वहाँ भी इस आपका आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है आर्थिक शब्द, ट्यूशन या कीमती चीज़ के बारे में जहां हम बात करते हैं कि बच्चे को आपको ट्यूशन लगाना है, ये बच्चा ये चीज़ें नहीं कर पा रहा है, आप ट्यूशन लगा दीजिए, तो आपका आंसर नहीं होगा। क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है, वो कहती है कि बच्चे का जितना भी विकास करना है, जितना भी अच्छी चीज़ें हैं, बच्चे को क्लास में सिखाइए और ऐसा सिखाइए जिससे कि वो बाहर की दुनिया से रिलेट कर सके, उसकी ट्यूशन के बारे में कभी भी नहीं कहना है। 14 ऑप्शन है महापुरुषों का उदाहरण देना, हमें महापुरुषों का उदाहरण नहीं देना है, बच्चे के सामने टीचर को ही खुद ऐसे प्रेजेंट करना है कि बच्चा टीचर से ही एक अच्छी चीज़ें एक्वायर करे। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को महापुरुषों के बारे में नहीं बताएंगे।
15 है कथन बता देना, किसी बच्चे को कथन तो बताएंगे, मतलब किसी बच्चे को एक्सप्लेन तो करेंगे लेकिन कथन नहीं बताएंगे, आंसर नहीं बताएंगे, बच्चे को सिर्फ पुश करना है, बच्चा आंसर खुद निकालेगा। या फिर रटना और दोहराना, जिस किसी भी आंसर में आ जाए रटना या दोहराना तो वो आपका आंसर कभी भी नहीं होगा। बालक को गलत कह देना, जैसे बच्चे ने कोई भी गलती कर दी है तो हम बच्चे को गलत नहीं कहेंगे, बच्चे को समझाएंगे, क्योंकि बच्चा हमारे लिए भगवान है तो बच्चे को गलत हम नहीं कह सकते हैं। दंड देना, सज़ा देना, जहाँ कहीं भी दंड देना आ जाए या फिर सज़ा देना आ जाए तो वो भी आपका आंसर नहीं होगा। जिस किसी भी आंसर में केवल या मात्र, ही, एकमात्र, बिल्कुल, इस तरह के वर्ड भी आ जाएं तो भी आपका आंसर नहीं होगा। अगर आप इन वर्डों को ध्यान में रखते हैं और एग्ज़ाम में इन चीज़ों को देख लेते हैं तो आपका आंसर एक ही बार में एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, और जैसे ही आंसर हटेगा आप सही आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। अब हम मूव करते हैं पॉजिटिव वर्ड्स की जगह, पॉजिटिव वर्ड्स की तरह, कि ऐसे कौन से वर्ड्स हों जिन्हें आप देखकर ही पहचान लें कि ये हमारा आंसर होगा। जैसे मान लीजिए जहाँ कहीं भी सर्वांगीण विकास की बात की गई हो, बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात की गई हो, वहाँ आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ही आप वहाँ देखें आप आंसर लगा देंगे। ये वर्ड्स केवल और केवल ऐसा नहीं है CDP में ही हेल्प करेंगे, नहीं, ये पूरी पेडागोजी में हेल्प करेंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल, EVS, कोई भी आपकी पेडागोजी हो जाएगी, ये वर्ड्स हर एक पेडागोजी में हेल्प करेंगे। मतलब ये मान लीजिए आपकी 75 मार्क्स की पेडागोजी आती है, ये 75 मार्क्स की पेडागोजी में ही हेल्प करेंगे, ये नहीं है कि एक ही पार्ट में हेल्प करें। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। जहाँ कहीं भी निदानात्मक शिक्षण कार्य के बारे में बात आ जाए कि बच्चे को कहीं भी लैप हो रहा है, मतलब बच्चा किसी भी चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, तो टीचर को क्या करना है, उसे डायग्नोस करना है और उसे निदानात्मक परीक्षण देना है, निदानात्मक शिक्षण कार्य देना है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर कहीं भी आ जाता है अवसर के बारे में कि बच्चे को मौका दिया जा रहा है करने का, उसे अवसर दिए जा रहे हैं जिससे कि बच्चा अच्छे से कर सके, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। विभिन्न तरीके, जहाँ कहीं भी बताया गया हो कि बच्चे को विभिन्न तरीके से समझाना है, काफ़ी अलग अलग तरीके से समझाना है, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ बात आ जाए सृजनात्मकता, कंस्ट्रक्टिज्म वेज के बारे में बात आ जाए, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ बच्चा सहज तरीके से सीखे, अपने तरीके से सीखे, स्वाभाविक तरीके से सीखे, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। भाषा प्रयोग की क्षमता के बारे में बताया जाए कि यहाँ अगर बच्चा अपनी भाषा, अपनी खुद की भाषा का प्रयोग करके कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। अर्थपूर्ण या भावपूर्ण, अर्थपूर्ण किसी भी चीज़ में बच्चा मान लीजिए सीख रहा है और टीचर उसे सिखा रहा है, तो जहाँ अर्थ निकलवा के सिखा रहा है या फिर भावपूर्ण तरीके से सिखा रहा है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है चित्र स्थानिक, किसी भी चीज़ के बारे में बच्चे को चित्र दिखाकर समझाना। जैसा हम सभी जानते हैं प्राइमरी एजुकेशन में हम क्या करते हैं, बच्चों को चित्र दिखाकर चीज़ें सिखाते हैं, तो उसमें अगर कहीं भी चित्र या स्थानिक चीज़ों के बारे में आ जाए तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। अपने आप खोजना, जहाँ कहीं भी बच्चा खुद एक्सप्लोर करता है, खुद खोजता है और आंसर का पता लगाता है, वो भी आपका आंसर हो जाएगा। कारणों का पता लगाकर समाधान करना या निदान करना, जैसे मान लीजिए कहीं भी किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने क्या किया, उस चीज़ का, बच्चे को जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसके कारण पता लगाए कि बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो फिर क्या करते हैं, हम उसका निदान करते हैं, फिर उसके लिए टीचिंग देते हैं, तो ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा। वनस्पति के लिए अवलोकन, मतलब EVS जो सब्जेक्ट होता है उसमें मान लीजिए किसी भी टीचर ने EVS में कोई भी टीचर किसी भी चीज़ के बारे में समझा रहा है, तो बच्चों को गार्डन में ले जाए और उसे वनस्पति से रिलेटेड, मतलब पेड़ पौधों से रिलेटेड उसे जानकारी दे, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन, मतलब देखकर बच्चे को साक्षात सिखाया जाए। मान लीजिए अगर हम गरीबी टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है,
तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को एक ऐसी बस्ती में लेकर जा सकते हैं जहाँ गरीब लोग रहते हैं, या फिर मान लीजिए हम बच्चे को खाने के बारे में बता रहे हैं तो बच्चों का लंच बॉक्स निकलवा कर उसके खाने सारे स्टूडेंट्स के खाने के बारे में बता सकते हैं कि ये न्यूट्रिशियस फूड है, ये कौन सा वाला फूड है, ये जंक फूड है। तो इस तरह से एक प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन जहाँ होता है वहाँ पर आंसर हो सकता है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देना, जहाँ बच्चा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा सीखे, मतलब बच्चे मान लीजिए खुद की जिसकी अपनी भाषा उसके थ्रू अगर वो सीख रहा है तो वो भी आपका आंसर सही होगा। दृश्य एवं श्रव्य सामग्री के बारे में पता लगाना, मतलब बच्चे को दृश्य और श्रव्य सामग्री के थ्रू पढ़ाना, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स हो जाती हैं उनके थ्रू अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो भी हमारा आंसर हो जाएगा। व्यवहारिक उदाहरणों का समावेशन, मतलब मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चों के सामने उदाहरण देना जो बच्चा डेली लाइफ में यूज़ करता हो तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। व्यवहारिक जीवन से जोड़कर शिक्षा देना, मतलब जो बच्चे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कितनी काफ़ी सारी चीज़ों को, अगर हम उन्हें इस तरह के उदाहरण देंगे तो बच्चा अच्छे से कर पाएगा। ये आप लोगों के मैंने कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स निकाले थे जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। और मैं चाहूँगी कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे क्या होगा आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिलेगा। ओके, थैंक यू।